Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 11th of October 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is Global Competitiveness Report is released by A. World Economic Forum, B. World Bank, C. IMF या फिर D. European Union. Second question is National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body, B. statutory body, C. executive body या फिर D. none of the above. Third question is Narega wages have been recently linked to CPI rural, B. CPI agricultural laborers या फिर C. consumer price index urban workers या फिर D. consumer price index combined. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करिएगा comment section में. And आज जो है 11th of October को International Girl Child Day मनाया जाता है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग 11th of October को क्या मनाया जाता है, International Girl Child Day. एंड इस बार थीम क्या है International Girl Child Day की, Empowering Girls for a Brighter Tomorrow. सो थीम इज Empowering Girls for a Brighter Tomorrow. आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट. एंड अभी तक में अगर आप रेगुलरली इस न्यूज एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा कि सेकेंड इंडिया इनफॉर्मल समिट कहां पर हो रही है, ममल्लापुरम नियर चेन्नई. ठीक है, अब यहां पर इस न्यूज में इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि किन एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा, फोकस क्या किन एरियाज के ऊपर रहने वाला है. तो सबसे पहला फोकस रहेगा ट्रेड इश्यूज के ऊपर, दूसरा बाउंड्री डिस्प्यूट्स के ऊपर, एंड तीसरा जो है मल्टीलेटरल कॉपरेशन के ऊपर. अब ये इंडिया चाइना रिलेशंस आपके किस जीएस से रिलेट करता है, जीएस 2. वहां पर जो टॉपिक दे रखा है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो तीन फोकस एरियाज हैं इस बार की जो इनफॉर्मल सबमिट है उसके, ट्रेड इश्यूज, दूसरा बाउंड्री डिस्प्यूट्स, एंड तीसरा है मल्टीलेटरल कॉपरेशन. अगर ट्रेड इश्यूज में बात करें हम लोग तो किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रेड डेफिसिट घटाने के ऊपर, क्योंकि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज नियरली अराउंड $58 बिलियन एंड दैट इज मोस्टली इन द फेवर ऑफ चाइना. तो उसको कम करने की बात की जाएगी. इसके अलावा ओपनिंग मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन कंपनीज इन चाइना एंड फॉर हुआवई विच इज चाइनीज कंपनी इन 5G ट्रायल्स इन इंडिया. इसके अलावा RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एश्योरेंसेज हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी. बाउंड्री डिस्प्यूट्स में जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो, उस पर भी उम्मीद की जा रही है कि बात होगी एंड कुछ डिसीजन आ सकता है. एट द सेम टाइम मल्टीलेटरल कॉपरेशन में अगर बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर जो BCIM कॉरिडोर है उसके ऊपर भी बात हो सकती है. ठीक है, एंड यहां पर एक और फैक्ट हाईलाइट किया गया कि हैंड इन हैंड जो है इट इज अ काउंटर टेरर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच विल बी हेल्ड इन December. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, इंडिया एंड चाइना. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. एंड अभी जो अगस्त 2 को एक एडवाइजरी इशू हुई थी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इशू किया था कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर ना जाए और वहां पे जो है वो वापस आ जाए, उसको हटा लिया गया है. एंड एक तरह से जो विंटर में टूरिज्म होता है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको ओपन अप कर दिया गया है. तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज है. एंड इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नॉर्मेलसी एक तरह से जो है वो रिटर्न हो रही है. इसके अलावा दूसरी न्यूज भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट लिखा हुआ है. एंड देयर दे हैव सेड कि जो जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है पर चार लोगों को जो जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन किया गया था, दे हैव बीन फ्रीड. अब हम लोग थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर का जो है उसके बारे में देख लेते हैं. कब आया था ये, 8th of April 1978 को. ठीक है, एंड इस लॉ के अंदर क्या है, द लॉ अलाउज द गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 16 विथआउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. तो बिना ट्रायल के 16 साल से उम्र के ज्यादा किसी भी इंसान को, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कि उनको 2 साल तक की जेल में डाला जा सकता है. एंड इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन इज अलाउड फॉर 2 years इन द केस ऑफ इफ अ पर्सन इज अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है तो 2 साल तक, एंड अगर आप पब्लिक ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तब आपके ऊपर 1 साल तक के आपको डिटेन किया जा सकता है विथआउट ट्रायल. एंड इसका ऑर्डर कौन पास कर सकता है, दिस ऑर्डर कैन बी पास बाय डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर यह भी मेंशनड है सेक्शन 22 में कि पब्लिक जो सिविल सर्वेंट्स हैं अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उनके अगर गुड फेथ में लिया जाता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई
नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, एक तरह से इसको जो है वो जम्मू कश्मीर का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का एक वर्जन कहा जा सकता है। एंड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 16 इयर्स, जो 16 साल से की उम्र से ज्यादा है, उसको 2 साल तक के लिए बिना किसी ट्रायल के डिटेन किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू C40 समिट। एंड ये समिट जो है अभी कहां पर हो रही है, कोपेनहेगन में हो रही है, डेनमार्क में। अब इस समिट को लेकर के इंडिया में क्या कंट्रोवर्सी है कि यहाँ दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था एंड वो जाना चाहते थे, इसके लिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरेंस नहीं दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो रीजन दिया वो ये दिया कि क्योंकि ये मेयर लेवल का कॉन्फ्रेंस है एंड वहां पर चीफ मिनिस्टर जाएंगे तो एक तरह से अच्छा नहीं लगेगा या तौहीन होगी, तो उससे अच्छा है कि केजरीवाल जी ना जाएं। अब यहां पर हम लोग C40 समिट के बारे में देख लेते हैं, ये आपसे प्रिलिम्स में एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में पूछा जा सकता है। तो C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ 94 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड That represents 1/12 of the world population and 1/4 of the global economy. तो 94 ऐसी cities का ये group है जिसकी जो कि 1/12 of the world population है and 1/4 of the global economy contribute करते हैं। And इनको किस लिए बनाया गया है, for tackling climate change and driving urban action that reduces greenhouse gas emission and global warming while increasing the health, well-being and economic opportunities of urban citizens, ठीक है। तो climate change को tackle करने के लिए and जो बड़ी cities हैं उनमें क्या plans कैसे coordinate किया जाए and क्या steps लिए जा सकते हैं जिससे कि global warming and climate change को टैकल किया जा सके। ये कब बना था, ये अक्टूबर 2005 में बना था लंदन में। लेटेस्ट जो इसकी सबमिट हो रही है वो कहां हो रही है, वो हो रही है कोपेनहेगन, डेनमार्क की जो कैपिटल है वहां पर। अब नाम C40 है, ठीक है, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 94 सिटीज आर ओवर देयर, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपसे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि C40 क्लाइमेट समिट में 40 सिटीज हैं, नहीं, C40 क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप में कितनी सिटीज हैं, 94 सिटीज हैं। कब बना था ये, अक्टूबर 2005 में लंदन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू GDP। एंड जो मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज हैं, एक तरह की रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 है उसके लिए जो इंडिया का GDP ग्रोथ रेट है उसको घटा करके 5.8%, उन्होंने बोला है कि 5.8% रहने की जो है वो उम्मीद है, ठीक है। एंड इसके पहले RBI ने भी जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 6.9% से घटा करके कितने पल्ला दिया है, 6.1% पे। तो एक तरह से जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है वो क्लियरली देखा जा सकता है, इसी चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया। अब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो आपके GS3 से रिलेटेड है, टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रीलिम्स के हिसाब से GDP को समझ लेते हैं हम लोग। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन अगर इसकी बात की जाए तो इट्स डेफिनेशन इज, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। किसी भी एक साल में किसी देश की बाउंड्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको जो है वो GDP बोला जाता है। एंड इंडिया के अंदर ये कब से कब तक कैलकुलेट किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब अगर बात करें GDP का यूज किस पर्पजेस के लिए किया जा सकता है, पर एनम जो GDP में चेंज होता है उससे पता चलता है कि कितनी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे हम लोग GDP के बारे में कि इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। इसके जरिए आपको यह पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी बढ़ी है, यह नहीं पता चलता कि क्वालिटेटिव मतलब लोगों की लाइफ में कितना इंपैक्ट हुआ है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है GDP का कि इट इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ऐसा हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाए लेकिन जो गरीबी है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। तो टॉप के लोग जो हैं उनके पास सारा वेल्थ अगर कंसंट्रेट हो जाएगा तो GDP तो बढ़ेगी लेकिन इनइक्वालिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। इसके अलावा IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए GDP का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर GDP के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। नाउ कम टू दिस न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नोबेल प्राइज लिटरेचर एंड ये करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर ध्यान रखें क्योंकि नोबेल प्राइजेस जो है वो अमूमन पूछे ही जाते हैं, एक नंबर आपका इस यहां से फिक्स हो जाता है। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर की बात करें अगर तो 2019 का जो नोबेल दिया गया है वो दिया गया है ऑस्ट्रियन नोवेलिस्ट एंड प्ले राइटर पीटर हैंडके को।
एंड जो 2018 का दिया गया है पॉलिश राइटर ओल्गा टोकारजुक को। अब 2018 का भी इस बार क्यों दिया गया है, क्योंकि 2018 में किसी को भी नोबेल प्राइज लिटरेचर में नहीं दिया गया था, क्योंकि जो एकेडमी देती है नोबेल प्राइज लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी, वहां पर जो उसके ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर मी टू कैंपेन के दौरान बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे, तो इसलिए उस टाइम पे नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे हम लोग 2019 का नोबेल प्राइज किसको मिला है, ऑस्ट्रियन नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट राइटर पीटर हैंडके, एंड 2018 का किसको मिला है, पॉलिश राइटर ओल्गा टोकारजुक। तो ये ध्यान रखिएगा नोबेल प्राइज लिटरेचर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू टर्की एंड कुर्ड्स, ठीक है। अब इंडिया, सबसे पहले आपको न्यूज बता देता हूं, एंड ये न्यूज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब यहां पर हम इसको पढ़ लेते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है, टर्की ने जो कर्ड्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सीरियन बॉर्डर में रहते हैं उनके ऊपर अटैक किया है, एंड इसके बाद इंडिया ने जो है टर्की का जो ये नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में अटैक है उसको कंडेम किया है, उसकी आलोचना की है, एंड एक तरह से बोला है कि ये यूनिलैटरल एक्शन जो है वो टर्की को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया अमूमन किसी के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन यहां पर हमने टर्की के बारे में क्यों बोला है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कश्मीर के इशू पर टर्की ने भी अपनी टांग घुसाई थी, तो उसी का बदला लेने के लिए एक तरह से डिप्लोमेसी में सबसे अच्छा प्रिंसिपल जो माना जाता है वो है रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल, कि आपके साथ जो जैसा ट्रीट कर रहा है उसको आप वैसे ही ट्रीट करिए। तो एक तरह से इंडिया ने रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए टर्की को यह संदेश दिया है कि दे हैड नॉट डन द राइट थिंग इन द सीरिया। इसके अलावा जो टर्की के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है रेसिप अर्दोगन, उन्होंने भी अपनी यूनाइटेड नेशन की स्पीच पे कश्मीर का इशू उठाया था, तो एक तरह से उसका भी जवाब माना जा सकता है। अब यह ध्यान रखिएगा यहां पर, इसके अलावा टर्की कर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। कर्ड्स आर एन ईरानियन एथनिक ग्रुप नेटिव टू वेस्टर्न एशिया। कहाँ के एथनिक ग्रुप हैं ये, ईरान के हैं, एंड ज्योग्राफिकली अगर अभी बात करें तो दे आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न टर्की, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, नॉर्दर्न इराक एंड नॉर्दर्न सीरिया, एंड एक तरह से यहाँ पर डिमांड है कि एक सेपरेट कुर्दिस्तान जो है वो बनाया जाए, ठीक है। अब टर्की इन लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि टर्की के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है PKK, जिसको कि टर्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, एंड उसी का जो एफिलिएट है YPG जो कि सीरिया में है, तो उनके नाम पर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब कर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं या उनके बारे में कितना डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी तो वहां पर जो ग्राउंड होल्डिंग था या जो ग्राउंड में फाइटिंग हो रही थी दैट वॉज डन बाई कर्ड्स, एंड अब जब अमेरिका ने सीरिया से पुल आउट कर लिया है उसके बाद टर्की ने मौका देखकर एकदम चौका मार दिया एंड कर्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है, एंड इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग इज रिलेटेड टू अटैक ऑफ टर्की ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया वेयर दे हैव टारगेटेड कर्ड्स, ठीक है। तो कर्ड्स के ऊपर जो नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में टर्की ने अटैक किया है उसको ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर कर्ड्स एंड टर्किश अटैक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया। नाउ कम टू पेज नंबर 2, एंड यहां पर हमारी एक वनडे टाइप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एंड ये जो है कब मनाया जाता है, 10th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एंड जो मेन थीम है 2019 की वो क्या है, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। तो थीम्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, तो थीम क्या थी, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया में अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उसमें से आउट ऑफ वन इन फाइव, मतलब 5 में से एक जो एडोलेसेंट है वो दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन को जो है वो एक तरह का मेंटल हेल्थ इनस्टेबिलिटी माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे विच फॉल्स ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू गैंगेटिक डॉल्फिन, एंड यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है अभी रिसेंटली, एनुअल सर्वे होता है गैंगेटिक डॉल्फिन का दैट इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। एंड इस बार के सर्वे की सबसे खास बात क्या है कि इस बार का जो मेथड है दैट इज टैंडम बोट सर्वे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट काउंटिंग की जाती थी, लेकिन इस बार जो है टैंडम बोट सर्वे का यूज किया जा रहा है। टैंडम बोट सर्वे में क्या होगा कि दो फ्लोटेड जो नाव हैं वो एक साथ चलेंगी एंड उससे के जरिए जो है वो काउंटिंग की जाएगी। एंड ये जो टैंडम बोट सर्वे है उसको किसने डेवलप किया है, मरीन इकोलॉजिस्ट गिल ब्रॉलिक ने डेवलप किया है, ठीक है।
अब इसके अलावा इस आर्टिकल में यह हाईलाइट किया गया है कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स को किन किन चीजों के साथ थ्रेट है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फिशिंग एंड ड्रेजिंग, इसके अलावा जो डैम्स एंड बैरेजेस बनाए गए हैं जिसके कारण गंगा नदी में पानी के फ्लो जो है वो कम हो गया है, ऑल दीज आर द मतलब जिसके कारण कि गैंगेटिक डॉल्फिन को उनके जो हैबिटेट है दैट इज फेसिंग अ थ्रेट, ठीक है, उसको दिक्कत उनको प्रॉब्लम है। एंड इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लाइंड डॉल्फिन बिकॉज इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस एंड यूजेस इको लोकेशन टू नेविगेट एंड हंट। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो कैसी डॉल्फिन है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, एंड ये किसके जरिए नेविगेट करती है और हंट करती है, इको लोकेशन के जरिए। इसके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं, दीज आर द ऑल्सो नोन एज सुसू बिकॉज जब ये बाहर आते हैं तो एक तरह की आवाज निकालते हैं, उसके कारण जो है इनका एक नाम सुसू भी है, ठीक है। एंड ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखिएगा गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाई जाती, इंडिया के अलावा इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश यहां भी पाई जाती है। अब इसका अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें, या कंजर्वेशन लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड का। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि एकमात्र जो इंडिया की डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहाँ है, बिहार में है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन द बिहार एंड इट इज द ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री। इसके अलावा इस न्यूज में एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है जिसकी मदद से यह सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसका जो इंडियन चैप्टर है दैट इज कंडक्टिंग दिस सर्वे अलोंग विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले चीज ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में, कैसा है ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है। कब बना था ये, 1961 में बना था। किस पर्पज के लिए बना था, टू वर्क इन द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए एंड एट द सेम टाइम जो ह्यूमंस का इंपैक्ट है एनवायरनमेंट में उसको कम किया जाए। एंड रिमेंबर वन थिंग अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कुछ दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करता है, तो सबसे पहला है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, एंड हर दो साल में इसको पब्लिश किया जाता है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज करने वाली बॉडी कौन सी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एंड इसके अलावा अर्थ आवर जो कैंपेन है वो भी कौन ऑर्गेनाइज कराता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एंड डेप्ट फॉर नेचर स्वैप कैंपेन दैट हैज ऑल्सो बीन लॉन्च बाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। एंड हेडक्वार्टर कहां है इसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर गैंगेटिक डॉल्फिन एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 5। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग, एंड पंजाब गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को बोला है कि आप जहां खेती करते हैं एंड जहां आपके आसपास भी जो लोग रह रहे हैं वहां पर ये ध्यान रखिए कि स्टबल बर्निंग जो है वो ना हो। स्टबल बर्निंग का क्या मतलब होता है, जो पैडी का स्ट्रॉ होता है उसको क्लियर करने के लिए किसान उसको पूरे के पूरे खेत में आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको जो है वो स्टबल बर्निंग बोला जाता है। एंड स्टबल बर्निंग इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन होता है स्पेशली आफ्टर द दीपावली एंड ड्यूरिंग द विंटर्स, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो किसको माना जाता है, स्टबल बर्निंग को, ठीक है। हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन 20% ही है, बट इट इज मेजरली फोकस इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि स्टबल बर्निंग के कारण जो है वो दिल्ली का पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, इसके अलावा खेत की जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है स्टबल बर्निंग का वो ये दिया जाता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, पैडी के अलावा फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो और कुछ उगाए। अब पैडी का स्ट्रॉ की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसका भूसा नहीं बन सकता, नहीं तो भूसा वीट का जो स्ट्रॉ होता है दैट इज यूज फॉर मेकिंग फॉडर, तो उसका भूसा बन जाता है वो जानवर खा लेते हैं, लेकिन पैडी स्ट्रॉ का उतना ज्यादा किसान के लिए यूज नहीं है, तो इसलिए वो उसको जलाने में ही भलाई समझता है। तो एक तो सबसे पहले है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, दूसरा जो है किसान इसलिए भी जलाता है क्योंकि उसको लेबर इजिली नहीं मिलती है, लेबर शॉर्टेज इज देयर, तो इस इशू को भी एड्रेस करना चाहिए कि अगर लेबर आसानी से मिलेगी तो वो फिर जलाने की जगह पेड़ को पूरी तरह से कटवाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रॉ इसलिए बच जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग किसान क्या करते हैं कि वो मशीन के जरिए अपना खेत कटवा लेते हैं। मशीन क्या करती है, ऊपर से तो काट देती है लेकिन जो नीचे का उसका
जो स्टेम कहा जा सकता है वो रह जाता है, तो उसको फिर जलाना पड़ता है, तो दैट शुड बी एड्रेस। इसके अलावा जो हमारे स्टबल है, पैडी स्ट्रॉ है, उसको हैप्पी सीडर्स के जरिए भी रिमूव किया जा सकता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके अलावा पैडी स्ट्रॉ का जो यूज़ है वो बायोमास जनरेशन में भी किया जा सकता है, सो डैट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये सारे सजेशंस है। सबसे पहला सजेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, दूसरा लेबर शॉर्टेज शुड बी एड्रेस, तीसरा है हैप्पी सीडर्स एंड अदर सच टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल, एंड फोर्थ वन इज जो बायोमास जनरेशन के लिए पैडी स्ट्रॉ की जरूरत है डैट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर स्टबल बर्निंग एंड उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 6। यहाँ पर नवीन जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने अभी जो 3 करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको कंपलसरी रिटायर किया है, इस न्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अब ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक इनिशिएटिव लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने 5T इनिशिएटिव, इसको आप गवर्नेंस में, पॉलिटी में, GS2 में यूज कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर उसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जैसा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो 5T इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड इवन अगर आप में से कोई अभी इंटरव्यू देगा मेंस के रिजल्ट आने के बाद तो आप वहां पर भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है, तो 5T इनिशिएटिव, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5T याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एंड अखिल गोगोई जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं, ही हैज सेड कि ही विल लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में समझ लेते हैं, ये जो है हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड है, GS2 से, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 वॉज पास्ड बाई द लोकसभा इन 2019, बट वो लैप्स कर गया। क्यों लैप्स कर गया? क्योंकि अब राज्यसभा में उसको टेबल नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां पर उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के पास राज्यसभा एज वेल एज द लोकसभा दोनों में दे आर श्योर की दे हैव अ मेजोरिटी, तो हो सकता है इस बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। अब इस बिल के अंदर है क्या, दिस बिल मैंडेट्स दैट दोज हु क्रॉस द बॉर्डर टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, नेमली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स डिस्पाइट हैविंग एंटर्ड द कंट्री विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और विथ ट्रेवल पेपर्स दैट हैड एक्सपायर्ड। इस बिल में यह बोला गया है कि 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, उनमें से अगर कोई भी इंडिया में वैलिड डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आता है तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, एंड उनको जो है वो इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं किया जाएगा अंडर द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट ऑफ 1920 एंड द फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो सबसे पहला प्रोविजन इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज से रिलेटेड है कि उनके लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, एंड इवन इफ दे डू नॉट हैव लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो इसमें यह किया गया है, दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो ये है कि इंडिया की सिटीजनशिप, या कि आप बर्थ से इंडियन सिटीजन होते हैं या फिर आप नेचुरलाइजेशन के जरिए भी जो है वो सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के। नेचुरलाइजेशन के लिए जो पहले टाइम पीरियड था वो कितना था, इट वॉज 12 ईयर्स, अब इसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 7 साल कर दिया गया है अंडर दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा तीसरा इसका प्रोविजन है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, OCI के जो कार्ड होल्डर्स हैं, वो अगर कोई भी इंडियन लॉ को वायलेट करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब इसमें जो ऊपर के 2 अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए वो कंट्रोवर्शियल हैं, वो क्यों कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि सबसे पहले में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया, तो एक तरह से जो सिटीजनशिप है दैट इज नाउ बीइंग ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये माइनॉरिटी स्टेटस के नाम पे मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटीज में तो ज्यूज भी हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एथीस्ट हों, जो भगवान को ही ना मानते हो, तो दे शुड ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड, तो एक तरह से आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जैसे कि अहमदियाज हैं या शियाज हैं, दे आर ऑल्सो बीन परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, तो आप उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। तो अगर आप सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इस बिल का बहुत ज्यादा अपोजिशन
देखा जा रहा है, ठीक है, एंड इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इक्वली अवेलेबल टू बोथ इंडियंस एज वेल एज द एलियंस. एलियंस मतलब जो फॉरनर्स हैं, ठीक है, थीके? तो ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है. इसके अलावा जो दूसरा इसका वायलेशन है दैट इज ऑफ द असम अकॉर्ड. असम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था उसमें ये बोला गया था कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी इलीगली आया है चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा. अब गवर्नमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए इस अकॉर्ड को भी वायलेट कर रही है क्योंकि नाउ दे आर डिपोर्टिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो ये इन दो चीजों को वायलेट कर रहा है, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में. आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप जो सिटीजनशिप जो पार्ट टू में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 दे रखा है आपके किसी भी पॉलिटी बुक को आप अगर फॉलो करते हो तो उनमें दे रखा है, तो आप उससे आज एक बार सिटीजनशिप जरूर देख लें एंड उसमें देख लें कि किन किन तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, किन किन तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप लूज की जा सकती है. तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 9. यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस एंड मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है लालजी टंडन उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो उस पर ही हैज गिवन हिज असेंट टू एन ऑर्डिनेंस दैट अलाउज इनडायरेक्ट मेयोरल पोल्स. ठीक है, तो जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज हैं मध्य प्रदेश की उनके अंदर अब जो मेयर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे. इसके रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस था उसको गवर्नर ने क्लियरेंस दे दी है. ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? लालजी टंडन. अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में समझ लेते हैं. ऑर्डिनेंस आपसे कहां पूछा जा सकता है? जीएस टू में, कॉन्स्टिट्यूशन में एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में आपसे उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पूछे जा सकते हैं. ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस आर द टेम्परेरी लॉज हैविंग द इफेक्ट ऑफ एन एक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को या इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए कि मान लीजिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है एंड उसके बावजूद कोई इमरजेंसी आ जाती है, आफत तो कभी बता के नहीं आती, ठीक है, तो उसको डील करने के लिए जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो रखी गई है. ऑर्डिनेंस के जरिए जो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं वो किसी भी ऐसे लॉ को टेम्परेरी छह हफ्तों के लिए उसको प्रमलगेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड जब पार्लियामेंट मिलेगी तो पार्लियामेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अप्रूव करे या फिर अगर अप्रूव नहीं होता है तो फिर वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाएगा. अब किस आर्टिकल में ये पावर दी गई है? प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 में एंड गवर्नर को ये पावर दी गई है आर्टिकल 213 में, ठीक है. इसके अलावा ध्यान रखिएगा ऑर्डिनेंस के बारे में, ये तभी इशू किया जा सकता है व्हेन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन या फिर जैसे पार्लियामेंट के केस में व्हेन वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है, तब इशू किया जा सकता है. एंड ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी सारी पावर्स जो कैसी होती हैं वो उस एक्ट की तरह होती हैं जो नॉर्मल कंडीशन में किसी एक्ट की होंगी. तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो किस केसेस में ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है? जो कि यूनियन लिस्ट में इश्यूज मेंशन्ड है. स्टेट गवर्नमेंट किन केसेस में ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है? जो स्टेट लिस्ट में है. ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डिनेंस के नाम पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के मैटर्स पे ऑर्डिनेंस इशू कर दे, ठीक है. तो उनकी वही इफेक्ट होता है जो पार्लियामेंट्री लॉज का होता है एंड उनके ऊपर वही सारी लिमिटेशंस है जो पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर है, ठीक है. अब यहां पर क्योंकि गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर के ऊपर केस किया गया है तो हम लोग कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे उनको देख लेते हैं. तो गवर्नर जो है वो तीन कंडीशंस में बिना प्रेसिडेंट से पूछे ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी बिल को लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत है तो उस केस में प्रेसिडेंट से बिना पूछे आप ऑर्डिनेंस भी इशू नहीं कर सकते हैं. एंड दूसरी कंडीशन यह है कि अगर गवर्नर को लगता है कि इसमें प्रेसिडेंट के एडवाइस की जरूरत है तब भी वो ऑर्डिनेंस के लिए मना कर सकते हैं, ठीक है. एंड यही दो, इसके अलावा तीसरा प्रोविजन है इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स असेंट. तो राष्ट्रपति से अगर बिना पूछे वो एक्ट नहीं लाया जा सकता था या वो लॉ नहीं लाया जा सकता था तब भी गवर्नर जो है उस केस में ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं. ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो हमारा एक फेमस केस है दैट इज डीसी बाधवा केस विच वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1987 एंड वहां पर जो रीप्रोमलगेशन किया जा रहा था ऑर्डिनेंसेस का बिहार में एट अ टाइम वहां पर ऐसा हो गया था कि 14 साल में कुछ नियर अबाउट 1956 ऑर्डिनेंसेस वर प्रोमलगेटेड. तो तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप ऐसे तरह से बार बार ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करेंगे तो दे कैन स्ट्राइक डाउन द रीप्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा ऑर्डिनेंसेस के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड ये जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल इन
पुलिस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस में महिलाओं को होना चाहिए एंड उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक है कि वुमेन्स को जो है वो ज्यादा होना चाहिए पुलिस फोर्सेस में। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्सेस, क्या किया जा सकता है जिसके जरिए महिलाएं जो है ज्यादा पुलिस फोर्सेस में और ज्यादा भर्ती हो सके। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं। नाउ कम टू एडिटोरियल पेज एंड आज का जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट एंड ऑब्वियसली ये जो हमारा किससे रिलेटेड है, जीएस टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया एंड चाइना जो है वो 3380 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा हजारों सालों से हमारा चाइना के साथ सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट रहा है, शेयर्ड हिस्ट्री रही है एंड पिछले 50 सालों से देयर इज हैज बीन अ बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो चाइना के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो इंडिया चाइना रिलेशंस में, तो आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, इंडिया एंड चाइना हैज अ 3380 किलोमीटर कॉमन बाउंड्री, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री एंड हाफ अ सेंचुरी ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड टेंशन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को शुरुआत कर सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। अब यहां पर हाईलाइट किया गया कि दूसरा इनफॉर्मल समिट जो है वो कहां पर हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, एंड इस एक चीज को भी हाईलाइट किया गया है कि इसके पहले जो फॉर्मल समिट हुआ था इनफॉर्मल समिट वो कहां पर हुआ था, वुहान में हुआ था एंड उसके बाद जो है दोनों देशों के रिलेशंस में काफी इंप्रूवमेंट आई थी एंड अभी भी उम्मीद की जा रही है कि इस समिट के बाद भी जो है वो इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। लेकिन एडिटोरियल ने एक चीज और हाईलाइट की है कि मतलब वुहान समिट से पहले क्या हुआ था कि दोनों देशों के जो स्टेटमेंट्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव टाइप के थे, कि एक दूसरे के मतलब कश्मीर के केस में जैसे चाइना ने अपना स्टैंड बदला, उसके अलावा भी जो स्टेटमेंट्स थे वो एक दूसरे को एंटागोनाइज या नाराज करने वाले नहीं थे। लेकिन इस बार की जो इनफॉर्मल समिट हो रही है वहां पर दोनों तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसपे लग रहा है कि कोऑपरेशन की जगह मतलब बातचीत का माहौल बहुत ज्यादा सही नहीं लग रहा है। अब सबसे पहले चाइना की तरफ से अगर बात करें तो उन्होंने इसी हफ्ते इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने से पहले इमरान खान को बुलाया एंड उसके बाद वहां पर कश्मीर मुद्दे पर स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा जैसे इंडिया से अगर बात करें तो इंडिया ने जो एक्सरसाइज हिम विजय है वो अभी अरुणाचल प्रदेश और असम में कंडक्ट करा रहे हैं। तो एक तरह से जो दोनों देश हैं वो बातचीत के लिए तो आ रहे हैं लेकिन जो उनके हरकतें हैं वो एक दूसरे को एंटेगनाइज या नाराज करने वाली है। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को हाईलाइट किया गया है जो मैंने आपको पहले पेज पर भी बताया कि फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा, ट्रेड इश्यूज के ऊपर, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर एंड एट द सेम टाइम मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। तो इन्हीं सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है इस एडिटोरियल में। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल एंड आज का लीड आर्टिकल भी है जो हमारा वो है डेट इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट जो कि 11th और 12th अक्टूबर को चेन्नई ममल्लपुरम में हो रही है। अब जो है वो ममल्लपुरम को क्यों चुना गया है ऑथर के हिसाब से ममल्लपुरम को इसलिए चुना गया है क्योंकि 2000 साल पुराना रिश्ता है ममल्लपुरम का चाइना से एंड चाइना के ऊपर जब तिब्बत अटैक करने वाला था तब वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने ममल्लपुरम में जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनसे जो है वो हेल्प मांगी थी। इसके अलावा बोधि धर्म द फाउंडर ऑफ ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन एट द शाओलिन मोनेस्ट्री इन हेनान प्रोविंस इन चाइना हेल्ड फ्रॉम ममल्लपुरम। ठीक है, तो बोधि धर्म जो है वो भी इसी रीजन से आते थे इसलिए भी ममल्लपुरम को चुना गया है। अब ऑथर ने हाईलाइट किया है क्या किया जा सकता है जिसके जरिए जो है वो रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। उससे पहले उन्होंने ये बताया कि क्या क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, क्या क्या विवाद है दोनों देशों के बीच में। तो सबसे पहला विवाद जो है वो मसूद अजहर को लेकर के था, ऐसे इश्यूज में जब चाइना 1267 कमिटी में यूनाइटेड नेशन में रोक लगा देता है उसको लेकर के। दूसरा जो है वो इंडिया की जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में जो एंट्री है उसको लेकर के चाइना जो रोक लगाता है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा ट्रेड गैप जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा $58 बिलियन से ज्यादा का वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो साउथ एशिया में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वो भी एक प्रॉब्लम एरियाज है। इसके अलावा जो चाइना का पब्लिक सपोर्ट है पाकिस्तान को ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेट इज अ प्रॉब्लम एंड इंडियाज अपोजिशन टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में लिखने के लिए आए एंड उसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है तो कौन कौन से आप लिख सकते हैं, चाइनाज पोजिशन ऑन इशूज सच एज मसूद अजहर, इंडियाज चाइनाज अपोजिशन टू इंडियाज एंट्री इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, थर्ड इज ट्रेड गैप, फोर्थ वन इज चाइनाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशियन रीजन, पांचवा क्या है पाकिस्तान को जो सपोर्ट दे रहा है जम्मू कश्मीर में चाइना, इसके अलावा इंडिया का जो अपोजिशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसके अलावा चाइना जो भारत को ज्ञान दे रहा था कि कश्मीर के मामले में आप यूनाइटेड नेशन के फॉलो करिए, तो सबसे पहले तो चाइना को ही ध्यान देना चाहिए
कि जो अक्साई चीन वाला इलाका है एंड पाकिस्तान के एरिया से, जो वो कश्मीर के एरिया से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहा है, वो भी यूनाइटेड नेशन का जो स्टेटस क्वो का ऑर्डर था कि अभी यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक कि रेफरेंडम नहीं होता है, वो सब उसके खिलाफ है। ठीक है, तो भारत को समझाने से पहले चाइना को खुद अपने अंदर भी देखना चाहिए। अब किन किन एरियाज में दोनों देश कॉपरेट कर सकते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डेवलपिंग कंट्रीज के जो इश्यूज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन हो, वो सब जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्टीरियोटाइप है चाइना इंडिया रिलेशंस में, एंड स्पेशली मीडिया जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, उसको सही करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, एंड इसके अलावा जो चाइना की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में, उसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को ऑथर ने हाईलाइट किया है। नाउ कम टू द सेकंड आर्टिकल, एंड सेकंड आर्टिकल जो है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। एंड अभी जो रिसेंटली मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है सितंबर 1 से 2019 में, उसको लेकर के ऑथर ने लिखा है। तो ऑथर का यहां पर सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ पेनल्टीज लगा करके आप रोड सेफ्टी नहीं इंप्रूव कर सकते, सिर्फ पेनल्टी या फाइन लगा देने से रोड सेफ्टी इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए आपको रोड का डिजाइन, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले ऑथर ने हाईलाइट किया है व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, वो हम लोग भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंक्रीज्ड कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स। तो ये इनिशिएटिव है, एक तो ज्यादा कंपनसेशन दिया जाएगा अगर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को, दूसरा जो है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है जिसके जरिए जो भी रोड में चल रहे हैं या जो भी रोड का यूज कर रहे हैं उन सभी को कंपलसरी इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में गुड सैमरिटन को भी डिफाइन किया गया है। पहले जो है बहुत सारे जो लोग अगर मदद कर देते थे किसी की तो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनसे बचाया गया है। इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी डेवलप करने की बात की गई है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने की बात की गई है इस एक्ट में। इसके अलावा टैक्सी एग्रीगेटर्स जैसे ओला उबेर है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इसके अलावा जो सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल प्रोविजन है, दैट इज इंक्रीज्ड पेनल्टीज फॉर सेवरल ऑफेंसेस। तो बहुत सारे जो मतलब गलतियां हो जाती हैं रोड में या ट्रैफिक, जैसे आप हेलमेट लगा के नहीं गए या सीट बेल्ट पहन करके नहीं गाड़ी चला रहे हैं, तब उसमें जो आपके ऊपर पेनल्टीज लगती है उनको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये सब क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट है कि बाय 2030 जो रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% कम करना है। तो ऑथर का कहना है कि इन पेनल्टीज और इन सारी चीजों से सिर्फ आप नहीं घटा सकते हैं, आपको इसके लिए प्रॉपर लेन विड्थ, शोल्डर प्रेजेंस, नंबर ऑफ लेन्स, मीडियन डिजाइन इन्फ्लुएंस, इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो रोड्स की जो डिजाइनिंग है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा ऑथर का कहना है, एंड उसको जो है वो ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड ये जो हमारा एडिटोरियल है, दैट इज रिलेटेड टू IMF एडवाइजरी। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, उनका उन्होंने जो अभी रिसेंटली वार्निंग इशू की है कि इकोनॉमी में और ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, एंड उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो इंडिया एंड ब्राज़ील के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एडिटोरियल लिखा गया है। एंड IMF का कहना है कि दुनिया भर में 90% देशों में इस बार जो है वो ग्रोथ रेट कम होगी। पहले बात हो रही थी, दो साल पहले अगर बात की जाए तो कहा जा रहा था कि 75% जो देश हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अब जो है वो क्या कहा जा रहा है कि 90% देशों में जो है वो स्लो डाउन देखा जा सकता है। एंड इसीलिए जो ग्रोथ मतलब जो टारगेट है GDP किस बेसिस पे ग्रो करेगी उसको भी घटा करके IMF ने कितने पे ला दिया है, 7% पे। पहले फोकस बोला था उन्होंने 7.3% पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, एंड अभी जो है उसको कहां पर किस पॉइंट पर ला गया है, 7% पे। तो हर तरफ से चाहे वो IMF हो, RBI हो या मूडी हो, वो सब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको कम ही करके बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हाईलाइट किया है IMF ने कि गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव कर सकती है। अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है तो गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एंड इसी चीज को एडिटोरियल ने भी हाईलाइट किया है कि क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजोरिटी है एंड दे हैव नंबर्स, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लेने हैं वो लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब जैसे कि लैंड से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं या फिर लेबर लॉज जो रिफॉर्म्स हैं उनको गवर्नमेंट को उनके ऊपर फोकस
करना चाहिए। नाउ कम टू ऑपेड पेज, एंड ऑपेड पेज में आज जो हमारा डिस्कशन है, फ्राइडे डिस्कशन, वो किस चीज के ऊपर है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के ऊपर है। एंड इस चीज के ऊपर इस बात पूरे के पूरे आर्टिकल में डिबेट या डिस्कशन किया गया है कि क्या पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो दोनों के दोनों लोग डिस्कस कर रहे थे, उनका यह मानना है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पूरे देश में नहीं होना चाहिए। एक तरह का ये फालतू का टाइम वेस्ट काम है, ठीक है। क्यों वो फालतू उन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि मान लीजिए आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को, जैसे कि अभी आसाम में हुआ कि 1.9 मिलियन पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब आप उनके साथ करेंगे क्या? बांग्लादेश तो आप उनको बंदूक रख के भेज नहीं सकते। बांग्लादेश हैज क्लियरली सेड कि नो वन हैज इलीगली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। तो आप एक तरह से एक ऐसा क्लास क्रिएट कर देंगे और उनके बीच में डिवाइड क्रिएट कर देंगे कि जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मेजर टारगेट होगा इसमें, गरीब लोगों को टारगेट होंगे, क्योंकि गरीब लोगों के पास ही अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे जो गरीब हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इस सारे प्रोसेस से, एंड एक तरह से सिटीजनशिप को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मना किया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो पूरे देश में कराने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू पेज नंबर 13, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। एंड अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है, जिसके जरिए ये बोला गया है कि 50 ऐसे रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया जाए जिनको प्राइवेट सेक्टर डेवलप करे, एंड 150 ट्रेन जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई की जाए जो कि प्राइवेट ऑपरेटर्स रन करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे की तरफ स्टेप है। आपसे यूपीएससी में GS3 में पूछा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि रोड्स रेलवे ये सब दे रखा है, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो आप लोग आज कमेंट करके बताइएगा कि वेदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे शुड बी डन, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों चीजों का क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। एंड इस न्यूज में यह हाईलाइट किया गया कि जो स्वदेशी जागरण मंच है एंड एफिलिएट ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जो है RCEP के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मोदी गवर्नमेंट से बोला है कि इस एक पैक्ट को जो है वो साइन नहीं किया जाए, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं RCEP के बारे में, पहले समझ लेते हैं फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इट इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 10 आसियान नेशन एंड 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स, ठीक है, विथ विच आसियान कंट्रीज हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक तरह का फ्री ग्रुपिंग है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 16 मेंबर हैं एंड 10 आसियान कंट्रीज हैं एंड 6 ऐसे देश हैं जिनके साथ आज जो आसियान कंट्रीज हैं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। आरसीईपी के जो टॉक्स हैं वो 2013 से चल रहे हैं एंड आज हम लोग 2019 के एंड में हैं, अभी तक ये कंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंडिया का पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, दैट इज डंपिंग बाय चाइना आफ्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ड्यू टू आरसीईपी। तो इंडिया के अंदर एक फियर है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे आरसीईपी में तो चाइना भी उसका पार्ट है एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे इंडिया में, तो उनकी और ज्यादा डंपिंग होगी। दूसरा जो है, दूसरी जो प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। इंडिया चाहता है कि अगर आप फ्री ट्रेड गुड्स में साइन कर रहे हैं तो फ्री ट्रेड सर्विसेज में भी साइन करिए। इसके अलावा ये जो सारी कंट्रीज हैं, यहां पर इंडियंस को काम करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा विवाद है। इसके अलावा डेयरी इंपोर्ट्स के लिए भी, एक डेयरी सेक्टर के लिए भी लोग अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? बिकॉज दे थिंक कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दे विल ओवर पावर द इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उसके कारण डेयरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फियर कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वीट होता है, वहां से अगर सस्ता वीट इंपोर्ट होगा तो इंडियन वीट को प्रॉब्लम हो सकती है, इंडियन वीट ग्रोअर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को लेकर के प्रॉब्लम है। उस वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि जो चैप्टर 10 है ई कॉमर्स से रिलेटेड आरसीईपी एग्रीमेंट में, तो वहां पर ये बोला गया है कि डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स जो है वो कंपलसरी नहीं किए जाएंगे, तो इसको लेकर के इंडिया में प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? डंपिंग बाय चाइना, सेकंड इज डिमांड ऑफ इंडिया फॉर फ्री ट्रेड इन सर्विसेज, थर्ड क्या है? डेयरी इंपोर्ट,
फोर्थ वन इज वीट इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर आरसीपी कंट्रीज एंड फिफ्थ वन इज डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। तो ये आरसीपी के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे आरसीपी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने देश हैं, तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं, देर आर 16 कंट्रीज एंड 10 आसियान कंट्रीज प्लस 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स विथ विच आसियान कंट्रीज हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस न्यूज से हम लोग यहां पर यह ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू वर्ल्ड पेज एंड यहां पर एक जो वनडे टाइप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि किस देश ने अभी अपनी महिलाओं को अलाउ किया है टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, सो सऊदी अरेबिया। उसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हैज नाउ अलाउड इट्स वुमेन टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया में इतना ज्यादा रिफॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो रूलर है उनको समझ आ गया है कि बहुत दिनों तक तेल के ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अभी तक जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड थी? पूरी की पूरी तेल पर। ठीक है, अब तेल के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हो और जो रिसोर्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो भी ऑब्वियसली कम होंगे आने वाले सालों में। तो अब सऊदी अरेबिया में फोकस क्या किया जा रहा है कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, टूरिज्म के जरिए या इकोनॉमी को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। तो उसी से रिलेटेड है कि अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया की जो सोसाइटी है उसको ओपन किया जा रहा है, एंड इसीलिए अभी वहां की जो वुमेन है उनको आर्म फोर्सेस भी अलाउ कर दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले वुमेन्स को अलाउ किया गया था कि वो गाड़ी चला सकती हैं, कार चला सकती हैं। इसके अलावा ओपनिंग के केस में अगर बात की जाए तो ये भी बोला गया था कि महिलाएं जो हैं विदेश जा सकती हैं बिना मेल गार्जियन से पूछे हुए। तो ये एक तरह से जो ओपनिंग ऑफ द सोसाइटी है वो हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया। नाउ कम टू बिजनेस पेज एंड बिजनेस पेज पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन में जो है वो अभी कमी आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए एंड उसका अब्यूज ना हो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एक कमिटी बनाई है, कमिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर्स टू लुक इनटू अ वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स टू बूस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो ये जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है जीएसटी काउंसिल जो है वो कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, किस आर्टिकल में बनी थी ये? आर्टिकल 279A। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ध्यान रखिएगा, ऐसी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है दैट आर रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस लिए बनाई गई थी? जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए एंड अगर कोई किसी में मदद की जरूरत है वो प्रोवाइड करने के लिए। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं? यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन ऑल अदर स्टेट्स। अब डिसीजन मेकिंग पावर की अगर बात करें तो 1/3 वोटिंग पावर जो है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। 2/3 वोटिंग पावर जो है वो स्टेट्स के पास है। एंड कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 3/4 मेजोरिटी, 75%। तो इससे क्या पता चलता है कि ना सेंटर कोई यूनिलैटरल डिसीजन ले सकता है, ना सारे स्टेट्स मिलकर के यूनिलैटरल डिसीजन ले सकते हैं। तो एक तरह से जीएसटी काउंसिल जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिखें तो वहां पर जीएसटी काउंसिल को जरूर हाईलाइट करें। नाउ कम टू स्पोर्ट्स पेज एंड यहां पर एक फैक्ट दे रखा है वनडे टाइप एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विराट कोहली हैज बिकम द सेकेंड प्लेयर टू लीड इंडिया इन 50 टेस्ट। तो विराट कोहली से पहले धोनी ने जो है वो 50 या उससे अधिक टेस्ट में कप्तानी की है एंड अब जो विराट कोहली है वो दूसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं इंडिया के लिए जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है। नाउ कम टू पेज नंबर 20 एंड यहां पर एक ड्रग का नाम दे रखा है मिलासेन। मिलासेन जो है वो एक ड्रग है जिसको पहली बार कस्टमाइज करके बनाया गया है एंड सिर्फ एक पेशेंट के लिए ड्रग बनाया गया है। ठीक है, तो मिलासेन इज सेड टू बी द फर्स्ट टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर अ सिंगल पेशेंट एंड ये सिर्फ एक मरीज को दिया जाएगा। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है इसका ड्रग का नाम रखा गया है मिलासेन। ठीक है, तो यूपीएससी में भी या फिर वनडे टाइप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मिलासेन विच वॉज सीन इन न्यूज इट इज द फर्स्ट टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर अ सिंगल पेशेंट। ठीक है, तो मिलासेन ये ध्यान रखिएगा। एंड नोबेल लॉरेट्स के बारे में हमने पहले पेज नंबर पे ही डिस्कस कर लिया था, सो दैट नीड नॉट टू बी रिपीटेड, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स दे दिए जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है,
इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नरेगा वेजेस हैव बीन रिसेंटली लिंक टू सीपीआई रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल से उनको लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।